उमा महेश्वर के व्रत का वर्णन। सूत जी बोले, उमा महेश्वर व्रत शिव जी के द्वारा कहा गया, पुरुष तथा सभी प्राणियों का हित करने वाला है, वह तुम्हारे प्रति कहूँगा। पूर्णवासी में, अमावस्या में, अष्टमी में, चतुर्दशी के दिन रात्रि में हविष्यान का भोजन कराना चाहिए तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक व्रत करके बाद में सोने की या चांदी की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, रथ में बिठाकर उस मूर्ति को शिवालय तक ले जाएं। इस प्रकार वह शिव सायुज्य को प्राप्त होगा। जो कन्या अथवा विधवा एक वर्ष तक इस प्रकार व्रत को करे, वर्षांत में भवानी के साथ प्रतिष्ठा करे, तो भवानी की सायुज्य को प्राप्त होती है। अब व्रतों का क्रम महीने वार कहता हूँ, सो सुनो। मार्गशीर्ष के महीने में नवांग पूर्ण बैल को शिवजी के नाम से छोड़ता है, वह शिव और भवानी के साथ आनंद को प्राप्त करता है। पौष के महीने में त्रिशूल का दान करने वाला, माघ मास में सर्व लक्षण संपन्न रथ को प्रदान करने वाला, फाल्गुन में सोने या चांदी की प्रतिमा बनाकर शंकर के मंदिर में स्थापना करने वाला भवानी के साथ सायुज्य को पाता है। चैत्र मास में शिव, भवानी, नंदी आदि की प्रतिमा तांबे की बनाकर स्थापना करने वाला, वैशाख मास में कैलाश नाम के शिव जी के व्रत को करने वाला, कैलाश पर्वत को प्राप्त करके भवानी के साथ में मोद को प्राप्त करता है। जेठ के महीने में महादेव की लिंगमय मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने वाला, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला पुरुष देवी की सायुज्य को प्राप्त करता है। आषाढ़ में पक्की ईंटों आदि से बना उत्तम भवन, संपूर्ण वस्त्र आदि वस्तुओं से युक्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए दान करने वाला पुरुष गौलोक को प्राप्त कर भगवान की सायुज्य को प्राप्त करता है। सावन के महीने में तिलों का पर्वत बनाकर जो वस्त्र ध्वजा धातुओं से युक्त करके ब्राह्मणों को दान करता है तथा भोजन कराता है, वह पूर्व में कहे फल को पाता है। भादो में चावल का पर्वत इसी प्रकार दान करता है, वह भवानी के साथ आनंद को प्राप्त होता है। क्वार के मास में अनेकों प्रकार के अन्नों का पर्वत स्वर्ण युक्त करके ब्राह्मणों को दान करता है तथा उन्हें भोजन कराता है, वह चिरकाल तक सायुज्य को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में जो नारी देवी उमा की स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर तथा देवेश शिवजी की प्रतिमा शिवालय में उसकी स्थापना करती है, वह शरीर को त्याग कर भवानी और शिव के साथ परम आनंद को प्राप्त होती है। जो कोई भी एक समय भोजन करके कार्तिक से अगहन तक एक वर्ष तक व्रत को धारण करता है, वह शिव के साथ आनंद को प्राप्त करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसा शिवजी ने स्वयं ही कहा है। पंचाक्षर महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, सभी प्रकार के व्रतों में उमा महेश्वर का पूजन करके पंचाक्षरी विद्या का जप करना चाहिए। जप से ही व्रतों की विशेष समाप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, पंचाक्षरी विद्या का वर्णन कहिए, हमें बहुत सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, पूर्व में एक बार पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने पंचाक्षरी विद्या का वर्णन किया है, उसे तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, सो सुनो। शंकर जी बोले, हे पार्वती, प्रलय काल में सब स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर, तुम्हारे द्वारा भी प्रकृति को प्राप्त होने पर केवल मैं ही स्थित रहा, कोई दूसरा नहीं। इस समय वेद शास्त्र आदि सब केवल पंचाक्षर मंत्र में ही स्थित रहे। मैं एक ही प्रकृति पुरुष रूप से दो प्रकार का हुआ, वही मेरा नारायण स्वरूप है। फिर योग की शैया में जल में शयन करता हूँ, तब नाभि से पांच मुख वाला ब्रह्मा उत्पन्न होता है। सृष्टि की रचना की इच्छा से 10 मानसिक पुत्रों को पैदा करता है। उनको सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुझसे इन्हें शक्ति प्रार्थना करता है। तब मैं पंचाक्षरों का ब्रह्मा को उपदेश करता हूँ। सो हे देवी, उन पंचाक्षरों से वाच्य त्रिलोक पूजन शिव मैं ही हूँ, और उनका वचन वह पंचाक्षर मंत्र है। ब्रह्मा जी ने पांच मुख से जगत के हितार्थ इस पंचाक्षर का अर्थ उन पुत्रों को वर्णन किया। वे इन पंचाक्षर को प्राप्त करके
मेरो शिखर पर मुंजवान के पर्वत पर वायु का भक्षण करते हुए देवताओं के हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से मैं प्रकट होकर उनके सामने आया। लोक कल्याण के लिए उनको मैंने मंत्र के ऋषि, देवता, शक्ति, बीज, व्यास, विनियोग आदि का संपूर्ण रूप से उपदेश किया। ओम, यह एकाक्षर मंत्रगत शिव है, इससे युक्त षट अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र है, अन्यथा पंचाक्षर ही इसे जानो। जिसके मन में यह मंत्र स्थित है, उसने संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। जो विद्वान विधान पूर्वक इसका जप करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है, यही परम विद्या है। ओम सहित यह पंचाक्षर मंत्र ही मेरा हृदय है, गुह्य मोक्ष प्रदाता यह मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता आदि तुमसे वर्णन करता हूँ। इस मंत्र का वामदेव ऋषि पंक्ति छंद, देवता साक्षात मैं ही शिव हूँ। नकार आदि पांच बीज पंच भूतात्मक है, सर्वव्यापी अव्यय प्रणव उसकी आत्मा में है। हे देवी, तुम इसकी शक्ति हो। इस मंत्र के द्वारा बताए गए विधि पूर्वक न्यास आदि भी करने चाहिए। हे शुभे, इसके बाद मैं तुमसे मंत्र का ग्रहण करना कहता हूँ। सत्य परायण, ध्यान परायण गुरु को प्राप्त करके शुद्ध भाव से मन, वाणी और कर्म के द्वारा तथा अनेकों द्रव्यों द्वारा आचार्य को संतुष्ट करके विधि पूर्वक गुरु मुख से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। शुचि स्थान में, अच्छे ग्रह में, अच्छे काल में तथा नक्षत्र में तथा श्रेष्ठ योग में मंत्र ग्रहण करना चाहिए। गृह में मंत्र जपना समान जानना चाहिए। गो के खिरक में 100 गुना और शिवजी के पास में अनंत गुना मंत्र का फल होता है। जप यज्ञ से 100 गुना उपांशु जप का होता है। जो मंत्र वाणी से उच्चारण किया जाता है, वह वाचिक कहा जाता है। जो धीरे धीरे ओठों को कुछ हिलाते हुए जप किया जाता है, उसे उपांशु कहते हैं। केवल मन बुद्धि के द्वारा जप किया जाए और शब्दार्थ का चिंतन किया जाए, वह मानसिक जप होता है। तीनों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जप यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, वे विपुल भोगों को तथा मोक्ष को देते हैं। जप से जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं, मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। जप से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु सदाचारी पुरुष को सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुराचारी को नहीं, क्योंकि उसका साधन निष्फल है। अतः आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है तथा आचार ही परम विद्या है। आचार से ही परम गति है। आचारवान पुरुष ही सब फलों को पाता है तथा आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है। इसलिए सिद्धि की इच्छा वाले पुरुष को सब प्रकार से आचारवान होना चाहिए। संध्योपासना करने वाले पुरुष को सब कार्य तथा फल प्राप्त होते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी प्रकार से भी संध्या को नहीं त्यागने चाहिए। संध्या न करने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से नष्ट होता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। पर दारा, पर द्रव्य, पर हिंसा मन वाणी से भी नहीं करनी चाहिए। शूद्रान, बासा अन्न, गणान्न तथा राजान्न का सदा त्याग करना चाहिए। अन्न का परिशोधन अवश्य चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए हुए, अग्नि कार्य न किए हुए भोजन न करे। रात्रि में तथा बिना दीपक के तथा पर्ण पृष्ठ पर फूटे पात्र में तथा गली में पतितों के पास भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र का शेष तथा बालकों के साथ भोजन न करे। शुद्ध धन तथा सुसंस्कृत भोजन का एकाग्र चित से भोजन करना चाहिए। शिव इसके भोक्ता है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। मुंह से खड़ा होकर बाएं हाथ से दूसरे के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। अकेले मार्ग में न चले, बाहुओं से नदी को पार न करे, कुआं को न लांघे, पीठ पीछे गुरु या देवता अथवा सूर्य को करके जप आदिक न करे, अग्नि में पैरों को न तपावे, अग्नि में मल का त्याग न करे, जल में पैरों को न पीटे, जल में नाक थूक आदि मल का त्याग न करे, अज स्वान खर ऊंट मार्जार तथा तुष की धूली का स्पर्श न करे,
जिसके घर में बिल्ली रहती है वह अंत्यज के घर के समान है। उस घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह चांडाल के समान है। पात की हवा, सूप की हवा, प्राण और मुख की हवा मनुष्य के सुकृत का हरण करती है, अतः इनसे सदा बचना चाहिए। पाग बांध करके, कंचुकी बांध कर, केश खोलकर, नंगे होकर, अपवित्र हाथों से मैल धारण किए हुए जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, मद, जंभाई लेना, थूकना, प्रलाप, कुत्ता का या नीच का दर्शन, नींद आना, ये जप के द्वेषी हैं। इनके हो जाने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा आचमन प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। बिना आसन पर बैठकर, सोकर, खाट पर बैठकर जप नहीं करना चाहिए। आसन पर बैठकर रेशमी वस्त्र या बाघ चर्म या लकड़ी का या ताल पर्ण का आसन पर बैठकर मंत्रार्थ का विचार करते हुए जप करना चाहिए। त्रिकाल गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु और शिव एक ही है। शिव विद्या और गुरु भक्ति के अनुसार फल मिलता है। श्री की इच्छा वाले पुरुष को गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के संपर्क से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। गुरु के संतुष्ट होने पर सब पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव गुरु की कृपा से ही उस पर संतुष्ट होते हैं। अतः कर्म, मन, वाणी से गुरु को क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु के क्रोध से आयु, ज्ञान, क्रिया सब नष्ट होते हैं। उसके यज्ञ निष्फल होते हैं। शिवजी कहते हैं, जो इंद्रियों का दमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वह पंच भूतों से विजय को प्राप्त करता है। मन का संयम करके जो 400,000 जप करता है, वह सभी इंद्रियों को विजय कर लेता है। जो 2,500,000 जप करता है, वह 25 तत्वों को जीत लेता है। बीज सहित, संपुट सहित 100,000 जप करने वाला पवित्र आत्मा परम गति को प्राप्त होकर मुझे पाता है। जो इस पंचाक्षर विधि को देव या पितृ कार्य में ब्राह्मणों से सुनेगा या सुनाएगा, वह परम गति को प्राप्त होगा।